भुवनेश्वर एपर्यंत डेंगू नियंत्रण को आसी पारि नाही। पुणि थरे बीएमसी रो टेंशन बढ़ाई देछि डेंगू। चारि दिन हेब डेंगू रोगी संख्या टिके कमी थिला, हेले पुणि थरे शनिवार ठारु बढ़िछि। आगो को प्राय प्रतिदिन रोगी संख्या 60 उपर रहुतिले, हेले विगत 2-3 दिन हेब ई संख्या 30 रे आसी पहुंचतिला। गत 24 घंटा रे भुवनेश्वर रे मोट 46 रोगी चिन्हट होइछन्ति। एबे सरकारी हिसाब रे भुवनेश्वर रे मोट डेंगू रोगी संख्या 877 को वृद्धि पाइछि। रविवार रिपोर्ट आसिले यहाँ 900 पार हो जाइछि एवं सचेतनता सफेई कार्यक्रम को आहुरी व्यापक करा जाइछि। 7581 घरे मोट 31496 लोकंक ठारु तथ्य संग्रह करा जाइछि। 25867 मशा संभाव्य मशा वृद्धि स्थान को हटाइबा सह 25,771 स्थान में मशार लार्भा को चिन्हट कर नष्ट करा जाइछि। तबे आगकु 2-3 दिन मध्य रोगी संख्या कमिजो बोली आशा करा जाइछि। एनेकि सीधासळख आलोचना करिबा जिबा हम प्रतिनिधि दीपक सामल को निकट को। दीपक, वर्तमान डेंगू रोगी संख्या जो बढ़ी चली प्रशासन मुंड विंधार कारण होइछि, एनेकि कोन कहउछन्ति अधिकारी एवं कर्तृपक्ष? तो जो भली भाव रे डेंगू आक्रांत संख्या बढ़ुची तो केउठ ना केउठी आम जे कहिबा धीरे धीरे राजधानी रे डेंगू काय विस्तार करुची। जदि बीएमसी रो रिपोर्ट कहिबा शनिवार दिन 36 जन डेंगू आक्रांत चिन्हट होइथिया बेले गत 24 घंटा रे 61 नुआ डेंगू आक्रांत चिन्हट होइछंती, जहाकु नै बीएमसी पक्षरो केउठ ना केउठी चिंतार कारण साजिछि। जदि आम कहिबा गत 2 दिन मध्य रे ये होउछि सर्वाधिक डेंगू आक्रांत चिन्हट होती, तेज जदि आम कह लगातार भाव में गोटे पटे डेंगू आक्रांत संख्या बढ़िबार लगी बेले बीएमसी पक्षर विभिन्न समय रे विभिन्न बस्ती में लगातार भाव में सचेतन कर लोक मान सचेतन करफा सुतरा हो चारिपाख कि सफा रहीपर मत विशेषकर गुरुत्व दौर बीएमसी। किंतु जब देखा गत 24 घंटे जो भाई भाव में डेंगू आक्रांत संख्या बढ़ी तो केउठना केउठी बीएमसी को नहीं गोटे टेंशन लग रही है। जब पूरा रिपोर्ट देखा आज सुधा बीएमसी पक्षर 7,833 परिवार 32,328 लोक को सचेतन कराई, केवल राजधानी चित्र ही आम कहे 28,183 मशा उत्स नष्ट करी बीएमसी। यह सहित 28,085 लार्भा चिन्हट कर किभली भाव में डेंगू आक्रांत संख्या वृद्धि पाउची ता बे चिंताजनक। अंपटे मेडिकल पक्ष कथा कह मेडिकल स्वतंत्र वार्ड कराई जो मैंने डेंगू आक्रांत आस डेंगू पीड़ित आक्रांत आसती किभली भाव में उपयुक्त स्वास्थ्य चिकित्सा दि जापर विशेषकर गुरुत्व दिखाई तेज मोटामोटी जब आम कह बीएमसी तत्पर देखाई बीएमसी विभिन्न समय विभिन्न स्थान सचेतन करुच्ची लोक मैंने सचेतन है सहित जो डेंगू होबार कि जो मशा मानक वंश वृद्धि होवार आशंका रही से सब स्थान गुड़ी बीएमसी पक्षर चिन्हट कराई संगे संगे से बीएमसी पक्षर आक्शन निया सहित सबू गली कहते केवल जे आम कह राजधानी विशेषकर फोकस दिखाई बस्ती एरिया को बस्ती एरिया कि भाव सफा सुता रखा जा पार जो मैंने सफाई कर्मचारी अच्छा प्रतिदिन से स्थान पठा विभिन्न स्थान में सफा सुतर करा सहित ब्लीचिंग पाउडर पका जो ठीक से कौन सी अवस्था कि चित्र देखा सामना को आसूँ संगे संगे बीएमसी पक्ष जो स्क्वाड गठन कराई से स्क्वाड से तनाघना करेंगे और विशेषकर जो से आशंका रोचे से सब स्थान को चिन्हट कर से सब स्थान में किभली मशा मैंने वंश वृद्धि न करें दीपक पूर्वर जो संख्या सामना को आसुथिला मझिरे तो 60 पाखापाखी हो जाइथिला संख्या, किंतु विगत 2-3 दिन एहा संख्या ए संख्याटी 30 भितरे रहुथिला, पुणी चिंता बढ़ेछन्ति जेहेतु 30 रु बढ़ी जाइछि पुणी आक्रांतक संख्या। कोन अनुमान करा जाउछि बीएमसी तरफ वर्तमान जेमिति सेमाने आकु कंट्रोल करिया पई जेमिति नियंत्रण को आनिबा पई जेमिति सब व्यवस्था करूछन्ति कमिजिबो वर्तमान संक्रमितक संख्या? बीएमसी पक्षरु एथिपई स्वतंत्र स्क्वाड गठन कराइछि एवं जो 3 डेप्युटी जोनल हेड को मध्ये नै निर्देश दिआइछि विशेषकर जो सबू अंचल गुड़िकर मशा वृद्धि पा मशा वृद्धि पाँच कि डेंगू आक्रांत संख्या वृद्धि पाँच से सबू अंचल गुड़ फोकस दौर बीएमसी विशेषकर किभली भाव में डेंगू आक्रांत संख्या न बढ़
ତାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ମଶାମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ ହୋଇଛି ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାହେଉଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ କିପରି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ନହେବାରୁ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇକି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।